साल की शुरुआत इसी मेवे से होती है, जो इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, कश्मीर में इसको बोलते हैं स्ट्रॉबर और इसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। बहुत ही लजीज मेवा है, बहुत ही मीठा मेवा है। तो घासू कहते हैं, ये श्रीनगर में मशहूर है इस स्ट्रॉबेरी की वजह से। तो कम से कम यहाँ 20-22 फार्मर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेहनत करते हैं और अपना रोजगार, अपना आमदनी इसी से हासिल करते हैं। जी, मेरा नाम शबीर अहमद है, मैं घासू हज़रतबल में रहता हूँ। ये घासू हज़रतबल श्रीनगर में पड़ता है। तो घासू है, ये स्ट्रॉबेरी विलेज के नाम से मशहूर है, क्योंकि होल जो ये श्रीनगर है तो यही घासू से ज़्यादा मतलब इसकी कल्टीवेशन होती है स्ट्रॉबेरी की। ये जो स्ट्रॉबेरी है खाने में बहुत ही लजीज है, बहुत ही अच्छा मेवा है। यूं तो कश्मीर में बहुत सारे मेवे निकलते हैं, मगर यह साल की शुरुआत इसी मेवे से होती है, जो इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी, कश्मीर इसको बोलते हैं स्ट्रॉबर और इसको स्ट्रॉबेरी कहते हैं। बहुत ही लजीज मेवा है, बहुत ही मीठा मेवा है और बहुत ही डिलिशियस मेवा है, और इसमें बहुत सारी खूबियाँ भी है, जो ये खाता है उसको अच्छा लगता है। इसकी दो जो इस स्ट्रॉबेरी की लाइफ स्पैन है बहुत ही कम है, ये तो खाली लोकल मंडी तक जाता है, क्योंकि इसका जो लाइफ स्पैन है 1-2 दिन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। बस टूरिस्ट की वजह से तो इसका मार्केट बहुत ही अच्छा होता था, मगर COVID-19 की वजह से जो टूरिस्ट है वो वापस यहाँ से चले गए हैं अपने अपने घरों में, उसकी वजह से जो इसका मार्केट वैल्यू है बहुत ही कम हो गया है। पहले इसकी बिक्री तो बहुत अच्छी होती थी, हमें भी बहुत अच्छा फायदा होता था। अब इसका जो ऑटोमेटिकली जो COVID-19 की वजह से पूरा होल मार्केट जो बंद है, उसकी वजह से इसकी रेटों में तो अब गिरावट आ गई है। मैं डीसी साहब का थैंकफुल कहना चाहता हूँ कि उसने हमारे लिए फैसिलिटी कर दी है कि मंडी तो हमारा माल अच्छी तरीके से जाता है। अब 11 बजे तक उसने मंडी खोल के रखी है, तो हमारा अब माल जो है पहले से बेहतर हो गया, इसकी रेट अब थोड़ा ठीक हो गई है पहले से, अब तो 11 बजे तक मंडी खुली रहती है। ये जो होल विलेज है यहाँ, इसको घासू कहते हैं, ये श्रीनगर में मशहूर है इस स्ट्रॉबेरी की वजह से। तो कम से कम यहाँ 20-22 फार्मर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेहनत करते हैं और अपना रोज़गार, अपना आमदनी इसी से हासिल करते हैं। इस साल तो मगर जो COVID-19 की वजह से इसका मार्केट वैल्यू जो है बहुत ही कम हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा हमें मुश्किल का सामना उठाना पड़ता है। इसका लगाने का वक्त है कि अगर किसी को इस फार्मिंग में उतरना है तो उसको 15 अगस्त में इसकी जो नर्सरी है वो लगानी है 15 अगस्त में, फिर उसको पानी वानी देना है, घास को उखाड़ना है, जो अनवांटेड वीड साइड आता है उसको उखाड़ना है, बिल्कुल साफ रखना है उसको, मतलब फिर उसको फर्टिलाइज डालना है। फिर जब इसका जो निकलने का वक्त है वो होता है यही 25 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं। इस साल तो ये थोड़ा पीछे ही हो गया, क्योंकि बारिश की वजह से ये तो 5 मई में अब हमने स्टार्ट किया है इसकी हार्वेस्टिंग। इसके लिए बेहतर है मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए न ज़्यादा बारिश होनी चाहिए। अगर ज़्यादा बारिश हुआ तो ये इसका नुकसान हो जाता है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ था इसलिए इसका साइज बहुत ही छोटा हो जाता है। इसके लिए अच्छा फेवरेबल कंडीशन है कि इसको मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए।